शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से रखिए यहाँ पर हमारी बहू की गोद भराई। ये क्या सारा रखिए? भाभी ये क्या स्वाद है। वरुण के पसंद का कोई जवाब नहीं है। उसके पसंद के हलवाई से देखिए जलेबी बनवाई है। क्या बनाई है उन्होंने। अरे बुआ जी कंट्रोल, आपको जो खाना है ना आप सब खाओ, लेकिन खाने के चक्कर में ना आप हमारा प्लान मत भूल जाना। बस अब श्रद्धा घर वापस आ जाए तो ये गोद भराई सफल हो। भाभी गोद भराई सुपर हिट है। और आपको पता है इस साल के अंत की सबसे हिट बात क्या है? श्रद्धा की घर वापसी। वो देखिएगा जरूर आ जाएगी। आप कुछ खाएंगे? अरे नहीं नहीं आप खाइए। वैसे उसका ना आना ही उसके लिए बेहतर होगा, वरना श्रद्धा तुम भी ना कभी कभी हद कर देती हो। वैसे तो तुम्हारी बहन हजार गलतियां करती है, उसके लिए हमेशा खड़ी रहती हो, और आज उसी की गोद भराई में तुम्हें जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना मुझसे नहीं हो पाएगा। श्रद्धा बस एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि मैं हमेशा कीर्ति को क्यों दोष देती हूँ। तुम भी तो वैसी हो, एकदम जिद्दी। अभय की बात नहीं माननी समझ आता है, पर बेटा तुमने अपने परिवार के लिए कभी ऐसा नहीं किया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो श्रद्धा हम तैयार होके जा रहे हैं, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना मत आओ। मुझे माफ करना कीर्ति, मैं बहुत दिल से आना चाहती हूं, पर आप मेरे ये कदम वहां नहीं पढ़ पाएंगे। नया साल, नया मेहमान और नया धमाका। गोद भराई होगी या गोद गिराई? परिवार में खुशी का धमाका होगा या धमाके में उड़ेगा परिवार? क्या तुम मुझे रोक पाओगी? देखते हैं, नया साल मुबारक। दुश्मन नमस्कार भाई साहब। अच्छा ये श्रद्धा भी आ रही है ना? जी वो पता नहीं आएगी या नहीं। लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोग आइए ना, अंदर आइए।
हेलो, आप लोग सब पहुंच गए वहां पे? हाँ हाँ, पर तू इतनी मम्मी फौरन वहां का सारा कार्यक्रम बंद कराइए। मम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए, वहां वहां बहुत खतरा है। सबसे कहिए कि अभी के अभी सब वापस जाए वहां से। श्रद्धा, क्या हो गया तुझे बेटा? ये कैसी बात है? सॉरी। देख बेटा, तुझे नहीं आना माता, पर ये क्या बात हुई कि कार्यक्रम बंद करा? देख, सब इंतजार कर रहे हैं बेटा, जल्दी पहुंच जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। हेलो मम्मी, हेलो यशवी जी। जी चलिए हम कीर्ति को लेकर आते हैं। जी आइए। क्या करूं मैं, क्या करूं हे भगवान, कीर्ति और उसके बच्चे को ऐसे ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्या करूं? अगर ऐसे ही चली गई तो सब डर जाएंगे वहां, वहां जाकर ही देखती हूँ कि वहां क्या खतरा है। जीजू, आपने मुझे तो ठीक कर दिया, पर आप श्रद्धा दीदी को भी रोक सकते हो, है ना? प्लीज उन्हें रोक लो ना। घर आने वाला एक छोटा बेबी, तू बनेगा मामा, अरे खुश हो जाना यार। वो और अब बंद करिए ड्रामा। अरे मेरा रैपर बदलो। तेरी कीर्ति दीदू भी आ गई। कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू। दादा दादी को बहुत बहुत बधाई, नया साल है, नई उम्मीदें हैं, और आज के ही दिन आने वाले नन्हे मेहमान का जश्न। वैसे गोद भराई के लिए अच्छा दिन चुना है आपने। हाँ, नए साल में परिवार के लिए एक नई शुरुआत की कोशिश की। अरे हमें तो तब खुशी होगी जब हमारी बहू आ जाएगी। अरे मम्मी आप चिंता क्यों कर रहे हो, ऋतु बुआ गई है ना, तो आप देखना अब जिम्मा उन्होंने लिया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आप परेशान मत हो, थोड़ी सी देर होगी आ जाएंगी। हाँ आरती, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, यहाँ सबको श्रद्धा की पड़ी है ना, बस एक बार श्रद्धा आ जाए फिर देखना मेरे इक्के का कमाल। पर मेरा इक्का है कहाँ? यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुका है और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। उसी का इंतजाम कर रहा हूँ, बस आ गया। श्रद्धा के लिए धमाका। आ तो गया है पर इंतजाम कहाँ कर रहा है, कार्यक्रम तो यही शुरू हुई है और श्रद्धा भी यही आने वाली है, तानी कहाँ है? अरे श्रद्धा आ गई।
श्रद्धा बेटा, तुमने मम्मी जी का मान रख लिया। मम्मी जी, हाँ खुश रहो। मैंने बोला था ना आपको कि भाभी आ जाएंगी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। बेटा, हमें बहुत खुशी हुई कि आप ऋतु के कहने से ही सही, लेकिन आई तो सही। अब देखिए, ऋतु आपको तो ले आई है, लेकिन खुद ही कहीं गायब है। कहाँ रह गई वो? ताई जी, मुझे आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बेटा बोलो। वो किया शर्मा। अरे श्रद्धा तो अब आ गई, चलिए हम भी अंदर चलते हैं। आइए चलिए चलिए। पति पत्नी इतने दूर दूर अच्छे नहीं लगते। अच्छा एक फोटो हो जाए। आओ ना। स्माइल। वाकई बहुत ही अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। कितनी अच्छी फोटो आई है मेरे साथ। नजर ना लग जाए किसी की। अबे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्रद्धा, जो कहना था सुनना था वो हो गया ना यार, अब बस करते हैं ना। अबे प्लीज मेरी बात सुनिए। वरुण जी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, घुमा फिरा के कुछ भी कहने का भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यहाँ पर खतरा है, कीर्ति की जान को खतरा है, उसके होने वाले बच्चे को खतरा है। क्या श्रद्धा, तुम ये सब क्या कह रही हो? ये देखिए, लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। श्रद्धा, एक्चुअली घर में सब लोग चाहते थे कि तुम यहाँ पर आओ, और उसके लिए सबने लंबी चौड़ी प्लानिंग भी की थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस तरह से डरा कर यहाँ पे लाना सही नहीं, लेकिन तुम तो ऋतु बुआ को जानती हो ना, उन्हें कौन रोक सकता है। और देखो, ले ही आई तुम्हें, है ना? ऋतु, अब आप श्रद्धा को यहाँ तो ले आई, आप देखिए कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाए। हाँ अच्छा, हम ले आए हैं, क्या बात है। तुम चिंता मत करो, कीर्ति और बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, रिलैक्स। अब मैं बस अभी आया, ओके? पापा जी, सुखी रहे। अभी आपके पाँव का दर्द कैसा है? तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, अभी भी भैया को बहुत परेशानी होती है। तुम जो गरम तौले का सेक किया करती थी, उससे बड़ी राहत रहती थी। अब बेचारी हमारी भाभी इस उम्र में कितना कुछ देखेगी। हाँ, हाँ तनुजा जी, वो क्या था कि दवाई की वजह से मुंह का स्वाद थोड़ा खराब हो गया है, तो अगर आपके हाथों से बनाए हुए पकौड़े मिल जाते आज तो। और वैसे भी बाहर से तो मंगवाना हमने बंद कर दिया। अरे हाँ हाँ हाँ, अब जब हम यहाँ हैं तो हम ही बनाएंगे ना। हाँ, हाँ, आते हैं। चारी, हमारी भाभी कितना करेगी इस उम्र में। वैसे
अरे लाइए ना, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा, अब तो हमारे हाथ के छाले भी ठीक होंगे, हम कर लेंगे। मम्मी जी इसे छोड़िए ना, मैं अभी आ गई हूँ ना यहाँ पे, बेसन का घोल मैं बना देती हूँ। अरे बेटा, अभी तुम हो लेकिन जब तुम चली जाओगी तो हम ही को करना होगा ना, तो आदत बिगाड़ने से तकलीफ भी हम ही को होगी। हम कर लेंगे, हम कह रहे हैं ना। मम्मी जी, आपको ऐसे काम करते हुए देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप इसे छोड़िए, मैं कर देती हूँ। श्रद्धा इधर आओ। श्रद्धा, तुम हम सबको छोड़ के काहे जा रहे हो? तुम्हारी नाराजगी तो अब ऐसे है ना, तो हम सबको सजा काहे दे रही हो तुम? मत जाओ। श्रद्धा बेटा, मत जाइए ना। श्रद्धा, हमारी दोनों भाभियां एक ही बात कह रही है, चुप जाओ ना। भाभी, मैं सबकी तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रुक जाइए, मत जाइए ना। तुम मत जाओ, मत जाओ। भाभी प्लीज रुक जाओ। मत जाइए श्रद्धा। रुक जाओ। क्या परिवार है ये सच में। देखो ना कीर्ति, गोद भराई तुम्हारी है और सारे श्रद्धा के आगे पीछे लगे। देखो कीर्ति, बुरा मत मानना पर तुम्हारी बहन ना बहुत नौटंकी बाज है। पहले तो कह रही थी हमें जाना है जाना है, अब देखो गई भी नहीं और सीधा लपक के यहाँ आ गई। तुम्हारी क्या परेशानी है सोनिया? कीर्ति, हम तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहे थे कि देखो कैसे तुम्हारी खुशी में भी तुम्हारी बहन ऐसे आ गई है। कीर्ति देखो ना कैसे घर के बड़ों को अपने आगे पीछे घुमा रही है तुम्हारी बहन। देखो श्रद्धा, ये स्वाद तुम्हें पता है, सारे चाट भंडार में ना हम ये स्वाद यूं पहचान लेंगे। अरे यही स्वाद तो चाहिए हमें अपने जीवन में। बुआ जी, सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है पर आपने वो चिट्ठी भेज कर ना बहुत गलत किया है। आपको पता है उसे मेरी जान निकल गई थी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी और कौन सी चिट्ठी? अरे भला हम तुम्हें क्यों चिट्ठी भेजने लगे? अगर हमें कुछ भी बोलना होगा तो हम मुंह पर साफ साफ बताएंगे ना। अरे हम तो तुम्हें ही लेने निकले थे, ये तो हमने तुम्हें आते हुए देखा इसलिए हम लौट गए। हे भगवान, अगर वो चिट्ठी आपने नहीं भेजी तो फिर किसने भेजी? क्या हुआ, क्या बोले जा रही हो श्रद्धा? बहुत खूब मेरे हुक्म के इक्के, तुम्हें तो आज तुम्हारी माँ भी ना पहचान पाए। कुनाल, बस अब नए साल में ना श्रद्धा घर में वापस नहीं आनी चाहिए, ऐसी गायब होनी चाहिए कि सबको लगे कि दिल जीतने वाली ही दिल तोड़ गई। अब वो इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगी।